यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट अवेयरनेस डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या इन्होंने किया कि इनकी जो दखल है वो यूनाइटेड नेशंस ने ली। तो अभी चलिए समझते हैं इनकी कहानी से। ये जब स्कूल में थी यानी जाती थी तब ये देखती थी अपने बाबा के साथ में जो कि किसान थे कि जो जिस तरीके से पहले वो जैसे तीन मौसम अपने अपने टाइम के हिसाब से आते थे खत्म होते थे, इतना ही नहीं जो फसल पहले आती थी वो इतनी रहती थी कि पूरे साल भर हम उसको इस्तेमाल कर सके, लेकिन अभी फसल भी कम जो है वो आती है। वो देखती थी कि जो नदी नाले हैं वो भी कम होते जा रहे हैं और सब चीजें हैं जो पहले जो ऐसा थी जो जो देख रहे थे वो वैसे नहीं थी। उनके दिमाग में हमेशा चल रहा था जिसके वजह से उन्होंने क्लाइमेट अवेयरनेस क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। धीरे धीरे जो वो इस ऐसे एरिया में ऐसे समाज में रहती थी जहाँ पे यही सोचना था कि जैसे स्कूल हो जाए वैसे शादी हम महिलाओं की कर देते हैं। उसी दौरान जब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है मुझे सीखना है ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तभी उनको एक जॉब ऑफर आया जो कि था रेडियो में जॉकी, जो कि पहली बार कोई महिला करने वाली थी, किसी ने भी नहीं किया था। इन्होंने वो जॉब स्वीकार किया और वो जॉब स्वीकार करने के बाद में वो यही हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे जो मेरा इंटरेस्ट है, घर की परिस्थिति की वजह से उन्होंने जॉब तो लिया लेकिन क्लाइमेट अवेयरनेस का जो उनका पैशन था जो उनको कंप्लीट करना था वो हमेशा सोचती थी कि मैं इसे कैसे करूं। तभी उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिनकी उसको तलाश थी। इन्होंने अपने रेडियो पर ही एक शुभकाल नाम का प्रोग्राम शुरू किया। शुभकाल नाम का प्रोग्राम वो इस तरीके से था कि जितने आजू बाजू के किसान हैं वो उसको 100% 1000% सुनते ही थे। वो अपने दिन की शुरुआत इसके सिवा करते नहीं थे, जहाँ पे उनको ये बताया जाता था कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसका क्या जो इफेक्ट है वो पूरे समाज पे हो रहा है, तो किस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर की खेती छोड़ के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर जा सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे हमारे घर पे ही ऐसे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हम बना सकते हैं जिसकी वजह से किसान अपनी खेती जो है वो और बेहतर कर सके। इस तरीके से इन्होंने पहली बार यूनाइटेड मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा एक रेडियो रियलिटी शो शुरू किया जिसमें जिसका नाम था शुभकाल लीडर, जिसमें 250 से भी ज्यादा गाँव और आजू बाजू के 1000 से भी ज्यादा किसान, और स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि किसानों में भी महिला सक्षमीकरण का उन्होंने काम किया, उनको बुलाया और उनमें कंपटीशन रखी कि किसके सजेशन से हमें ज्यादा फसल उगती है। इसके तरह धीरे धीरे उन्होंने एक चेंज अपने एरिया में लाया जिसकी दखल जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने भी ली। तो ये थी आज की कहानी की एक सामान्य लड़की जिनके असाधारण इरादों की वजह से यूनाइटेड नेशंस को भी उनका जो है वो व्यक्तिमत्व वो डिफाइन करना पड़ा। तो चलिए अभी बुलाते ऐसे व्यक्ति को जिनकी एक खासियत है, और उनकी खासियत ये है कि वो जो भी लक्ष्य अपनी जिंदगी में लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। पहला लक्ष्य जब उनको लगा कि उनको एक अच्छा डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना है तो वो भी उन्होंने कंप्लीट किया। जब उनको ऐसा लगा कि देश की सेवा प्रशासन में जाके करना है तो वो भी उन्होंने अचीव किया। अभी उनका एक ही लक्ष्य है कि एमसीएल को ऐसी कंपनी बनाना जो कि भारत देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर वन कंपनी बने और हम पूरे दुनिया को एक नया क्लाइमेट क्लाइमेट के लिए कैसे काम करना है ये हम बिजनेस मॉडल दुनिया के सामने रखें। तो ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल कंपनी ऑन प्लैनेट अर्थ के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गर्ग सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका स्ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल